ही इज वाइज हुज फॉलीज आर कंसील्ड, अर्थात केवल वही बुद्धिमान है आजकल जिसकी मूर्खताएं छिपी हुई हैं। मैं एसके मिश्रा शार्क करियर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है हेयर, HAIR। हेयर का प्लूरल नहीं होता, बहुवचन नहीं होता, किसी खास केस में, कुछ खास केसेस में ऐसा होता है, लेकिन अधिकांशतः हेयर का हेयर्स नहीं होता। बाल इसकी हिंदी है। माय फादर्स हेयर हैज ग्रोन, हैज शब्द का प्रयोग हुआ, सिमिलर क्रिया आएगी। माय फादर्स हेयर हैज ग्रोन व्हाइट या ग्रे, मेरे पिताजी के बाल सफेद हो गए हैं, इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी? माय फादर्स हेयर हैज ग्रोन शब्द का प्रयोग हुआ, ग्रो माने बढ़ना, किसी चीज का बढ़ना, ग्रोन बढ़ गए हैं। माई फादर्स हेयर हैज ग्रोन व्हाइट या ग्रे, मेरे पिताजी के बाल सफेद हो गए। दूसरा, ही गेट्स हिज हेयर कट वंस इन ए मंथ, वह अपने बाल एक महीने में एक बार कटवाता है। आई गेट माई हेयर कट वंस इन ए मंथ, मैं अपने बाल एक महीने में एक बार कटवाता हूं। तो इस प्रकार से इसकी अंग्रेजी बनती कटवाने की, पॉजिटिव वर्ब गेट का प्रयोग होगा। अब देखें हेयर, HAIRED, हेयर रंग वाले बाल, रंग वाले किस रंग के हैं बाल, ये तात्पर्य है। शी वाज ए ब्राउन हेयर गर्ल, उस लड़की के बाल भूरे थे। शी वाज ए ब्राउन हेयर गर्ल, व्हाइट हेयर गर्ल, ब्लैक हेयर गर्ल, किसी भी रंग को कह सकते हैं हम। शी वाज ए ब्राउन हेयर गर्ल, वह एक भूरे बालों वाली लड़की थी। हेयरी, HAIRY, हेयरी माने बालों वाला, जिसके बहुत सारे बाल हों, जिसके शरीर पर बहुत सारे बाल हों, बालों से भरा। ही हैज ए हेयरी चेस्ट, चेस्ट चेस्ट माने सीना, उसके सीने पर बहुत सारे बाल हैं। ही हैज ए हेयरी चेस्ट। हेयर्स ब्रेथ, BREADTH, हेयर्स ब्रेथ, बाल बाल बचना। आई वॉज सेव्ड बाई ए हेयर्स ब्रेथ, मैं बाल बाल बच गया। बाल बाल बचने की एक और अंग्रेजी होती है और वो होती है ए नैरो एस्केप। आई वॉज सेव्ड बाई ए हेयर्स ब्रेथ, मैं बाल बाल बच गया। हेयर्स ब्रेथ, बाल बाल बचना। हेयर ड्रायर, जिस शब्द तो कॉमन है अब, ड्राई, ड्राई माने सुखाना। हेयर ड्रायर, ड्रायर जो बालों को सुखाए ऐसी मशीन, हेयर ड्रायर बाल सुखाने की मशीन। ए हेयर ड्रायर इज यूज्ड टू ड्राई हेयर, हेयर ड्रायर को, बालों को सुखाने की मशीन को, बालों को सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हेयर डू, हेयर डू क्या चीज होती है? हेयर डू, हेयर स्टाइल एक ही बात है। हेयर डू, हेयर स्टाइल एक ही बात है, बाल बनाने का ढंग इसका अर्थ होता है। आई लाइक हर न्यू हेयर डू, उसके बाल बनाने का जो नया वाला ढंग उसने अपनाया है, नया जो ढंग है उसके बाल बनाने का, मुझे बहुत पसंद है। आई लाइक हर न्यू हेयर डू या न्यू हेयर स्टाइल। हेयर रेजिंग, रोंगटे खड़े कर देने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला, गूज व बंप, गूज बंप इसकी एक और अंग्रेजी होती है रोंगटे की। हेयर रेजिंग, रोंगटे खड़े कर देने वाला, इट वॉज ए हेयर रेजिंग स्टोरी, ऐसी कहानी थी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। इट वॉज ए हेयर रेजिंग स्टोरी,
ये एक ऐसी कहानी थी जिससे रोंगटे खड़े हो गए, अर्थात डरावनी। कीप वंस हेयर ऑन, कीप वंस हेयर ऑन, शांत बने रहना, नाराज ना होना। ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी नाराज ना होना, शांत बने रहना। ही ऑलवेज कीप्स हिज हेयर ऑन, वह हमेशा शांत रहता है, नाराज नहीं होता है, शांत प्रकृति का है। हेयर स्प्लिटिंग, हेयर स्प्लिटिंग, बाल की खाल निकालना, कहते ना हिंदी में बाल की खाल निकालता है, नुक्ता चीनी करता है, आलोचना करता है। शी मेक्स हेयर स्प्लिटिंग रिमार्क्स अबाउट एवरीथिंग, हर चीज में वो ऐसे रिमार्क्स करती है, ऐसी टिप्पणी करती है हर बात में, नुक्ता चीनी करने की उसकी आदत है, आलोचना करने की उसकी आदत है। शी मेक्स हेयर स्प्लिटिंग रिमार्क्स अबाउट एवरीथिंग, हर चीज में उसको नुक्ता चीनी करने की आदत है। हेयर लेस, हेयर लेस एल ई डबल एस, हेयर जिसके ना हो, बाल जिसके ना हो, अर्थात बाल्ड, बी ए एल डी, बाल्ड माने गंजा, हेयरलेस माने भी गंजा। आई एक्टेड इन ए प्ले एज ए हेयरलेस मैन, मैंने एक नाटक में गंजे का रोल किया। आई एक्टेड इन ए प्ले एज ए हेयरलेस मैन, मैंने एक नाटक में गंजे का रोल प्ले किया। मुस्ताश, मुस्ताश माने मूछ, एम ओ यू एस टी ए सी एच ई, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें मूछ की अंग्रेजी नहीं आती है। तो विस्कर्स, विस्कर्स जो जानवरों की जैसे बिल्ली की मूछ है उसे विस्कर्स कहते हैं। तो मुस्ताश मनुष्य में जो मूछे होती है, मनुष्य जो आदमी जो मूछ रखते हैं, मुस्ताश कहलाती है। ए मुस्ताश वाज कंसीडर्ड एज ए साइन ऑफ पावर, ताकत की निशानी मानी जाती थी पहले, मूछे रखना ताकत की, पावर की निशानी मानी जाती थी। ए मुस्ताश वाज कंसीडर्ड एज ए साइन ऑफ पावर, पहले जमाने में तो बहुत मान्यता थी, मूछ के बगैर तो आदमी मर्द ही नहीं है, ऐसा माना जाता था, मूछे तो नहीं है तो बेकार है। मुस्ताश्ड, मुस्ताश्ड मूछों वाले को कहते हैं। माय अंकल इज मुस्ताश्ड, मेरे अंकल की मूछे हैं। बियर्ड, बियर्ड तो आपको पता ही होगा, बियर्ड बी ई ए आर डी, बियर्ड दाढ़ी। माय फादर हैज ए लॉन्ग बियर्ड, मेरे पिताजी की लंबी दाढ़ी है, दाढ़ी बनाने की अंग्रेजी, मुंडवाने की अंग्रेजी शेव है, एस एच ए वी ई, शेव, शेव करना। माय फादर हैज ए लॉन्ग बियर्ड, ललकारना भी इसकी हिंदी होती है बियर्ड की। आई कैन बियर्ड माय सीनियर ऑन दिस इशू, इस बात पर तो मैं अपने सीनियर को ललकार सकता हूं। आई कैन बियर्ड माय सीनियर ऑन दिस इशू, इस बात पर, इस मुद्दे पर तो मैं अपने सीनियर को भी ललकार सकता हूं। वह अपनी मूछों पर ताव देता है, सेंटेंस को ध्यान पूर्वक देखें, ये बहुत बोला जाता है, वो अपनी मूछों पर ताव देता है, मूछों पर ताव देना, इसकी अंग्रेजी क्या होगी ये देखें। ही ट्विस्ट्स, ट्विस्ट्स इस तरीके से करना मूछों को ट्विस्ट कहलाता है। ही ट्विस्ट हिज मुस्ताश आउट ऑफ एरोगेंस, एट के मारे वो मूछों पर ताव देता है, मुस्ताश। तो इस प्रकार से हम मुस्ताश, मूछ को ताव देता है, उसकी मूछे नीची हो गई। ही फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, यानी उसे बेइज्जती महसूस हुई। ही फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, उसकी मूछे नीची हो गई। मैं तेरी मूछ उखाड़ दूंगा, मैं तेरी मूछ उखाड़ दूंगा, तो उसकी मूछे नीची हो गई, अर्थात उसकी बेइज्जती हो गई। अब देखें मूछ पर कितनी बड़ी बड़ी चीजें, सेंटेंसेस
इन सेंटेंसेस को याद कर लेना चाहिए या बहुत ध्यान देना चाहिए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए, क्योंकि समाज में इनका बहुत यूज है। अगर आप इन शब्दों को, इन सेंटेंसेस को अंग्रेजी में प्रयोग करें किसी के सामने तो बहुत बढ़िया रहेगा, लोग समझ लेंगे अंग्रेजी बहुत अच्छी है। उसकी मूछें नीची हो गई, मैं तेरी मूछ उखाड़ लूंगा। आई विल नॉक ऑफ, नॉक ऑफ, KNOCK OFF, नॉक ऑफ योर प्राइड, मैं तुम्हारा घमंड मिट्टी में मिला दूंगा, ये कहने का मतलब है। आई विल नॉक ऑफ योर प्राइड, मैं तुम्हारा घमंड मिट्टी में मिला दूंगा, मैं तुम्हारी ये जो घमंडी मूछे है ना उखाड़ लूंगा, इन्हें मैं तेरी मूछे उखाड़ लूंगा। अब देखें लास्ट सेंटेंस, दुकानदार ने उसे मूंड लिया या मुझे मूंड लिया। आपने तो ये शब्द सुना ही होगा, हर घर की बात है, हर व्यक्ति की बात है। अरे दुकानदार ने उसे मूंड लिया, दुकानदार ने मुझे मूंड लिया, इस प्रकार की बातें। द शॉप कीपर फ्लीज्ड हिम, फ्लीस FLEECE, मूंडना यानी धोखा देना, किसी से धन हड़प लेना। द शॉपकीपर फ्लीस्ड हिम, दुकानदार ने उसे मूंड लिया। और यदि मुझे कहना है तो मी लगा दीजिए हिम की जगह। द शॉपकीपर फ्लीस्ड मी, दुकानदार ने मुझे मूंड लिया। तो ये जो शब्द है हेयर कितने काम का है, कितनी जगह यूज होता है, आप ये देखें। तो हेयर शब्द का इस्तेमाल कब होगा, त्वचा पर उगते हुए ऊपर जो बाल होते हैं त्वचा पर, तो उसको हेयर कहते हैं। तो हेयर और अलग अलग देखो अंग्रेजी है इसकी, सिर पर अलग है, मूंछ पर अलग है यानी होठों के ऊपर जो है बाल वो मूंछ कहलाते हैं, और दाढ़ी। तो इस प्रकार से अलग अलग अंग्रेजी इनकी बनती है। कैसी लगी मेरी ये वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।